हेलो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं राजा लखुजी यादव इनके समाधि स्थल पर, जो कि सिंधखेल राजा में स्थित है। आज हम इनके समाधि स्थल के बारे में जानेंगे, तो आइए मेरे साथ। फ्रेंड्स, यह है राजे लखुजी यादव इनका समाधि स्थल। यहाँ देख सकते हैं, अब लिखा वाला है राजे लखुजी यादव इनका समाधि स्थल, और यहाँ पे इसका निर्माण का सन बताई हुई है 1630 से 1640। बेहद खूबसूरत ये कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं आप। फ्रेंड्स, इस काम को 400 साल होने आए हैं, जो अभी भी बहुत ही अच्छे स्थिति में है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब अंदर चलते हैं। फ्रेंड्स, समाधि स्थल में अंदर आते से सामने यहाँ पर राजे लखुजी यादव के समाधि स्थल है, और यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ आप देख सकते हैं, राजे लखुजी यादव और इनके तीन बच्चों का दौलताबाद के दरबार में निजामशाही ने खून कर दिया था सन 1629 में। यह है राजे लखुजी यादव इनकी समाधि। दर बहुत अंधेरा है। फ्रेंड्स, ये है राजे लखुजी यादव इनके बेटे दशरथ राम, इनकी समाधि यहाँ पर है, देख सकते हैं अंदर। फ्रेंड्स, ये है उनके दूसरे बेटे अशोक राव की समाधि। इस तरह उनके तीसरे बेटे की समाधि है। फ्रेंड्स, ये है उनके तीसरे बेटे राघोजी राव की समाधि। उस और उनके पोते यशवंत राव की समाधि देखते हैं। ये उनके पोते यशवंत राव की समाधि। यशवंत राव, इन सभी का मुर्तजा निजाम ने दौलताबाद के किले में भर दरबार में इनका सबका खून कर दिया था। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन बनाया गया है। फ्रेंड्स, इस समाधि स्थल के ऊपर जाने के लिए हमें रास्ता बनाया गया है, आया से हम ऊपर जाएंगे। फ्रेंड्स, ऊपर जाने के लिए बहुत छोटा सा रास्ता है, यहाँ से हम ऊपर जाएंगे। फ्रेंड्स, ऊपर जाने के लिए जो रास्ता बना गया है, यहाँ रास्ते में एक ये विंडो है, यहाँ से अन्य जो छोटे समाधि स्थल है उनका नज़ारा तो बहुत ही शानदार दिख रहा है। यहाँ से बाहर का नज़ारा भी दिखता है।
फ्रेंड्स यहाँ से अब हम ऊपर आ गए हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कितना अच्छा नज़ारा दिख रहा है। यहाँ पर आजू बाजू पर खेत है। फ्रेंड्स इसके इस और एक पुराना मंदिर है, रामेश्वर का मंदिर है ये, जो बहुत पुराना मंदिर है फ्रेंड्स ये। और इसके इस और आपको बताया था जो छोटे छोटे समाधि स्थल है इनका भी नज़ारा यहाँ ऊपर से बहुत शानदार दिखता है। फ्रेंड्स समाधि स्थल के ऊपर ये बहुत ही शानदार जो गुंबद बनाया गया है जिसका प्लास्टर अभी ऊपर गया आप देख सकते हैं। इसका जो कंस्ट्रक्शन है जिसे ईट और चूने से किया गया आप देख सकते हैं। इसका भी काफी ऊपर की जो डिजाइन है बहुत ही लाजवाब। फ्रेंड्स इस गुंबद के अंदर जाने के लिए यहाँ से रास्ता बनाया गया है, तो आप हम इस गुंबद के अंदर का नज़ारा देखेंगे। फ्रेंड्स ये है गुंबद के अंदर का नज़ारा। वो होल जो दिखाई दे रहा है शायद वहाँ से रोशनी अंदर आती होंगी इसीलिए बनाया गया हो। फ्रेंड्स ऐसे 5 होल बनाए गए हैं पूरे इस गुंबद में जहाँ से रोशनी और हवा अंदर आने के लिए। फ्रेंड्स इस गुंबद के अंदर का भी नज़ारा बहुत शानदार है जो आपने देखा। तो फ्रेंड्स ये था राजा लखीजी यादव इनकी समाधि स्थल। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।